नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। मैं हूं अजय झा। उत्तराखंड राज्य, छोटा सा राज्य जिसे आप देवभूमि के तौर पर जानते हैं, लेकिन बड़ा ही दिलचस्प इसका सफर रहा है अब तक। छोटा राज्य इसलिए क्योंकि आबादी के लिहाज से सिर्फ 1,20,00,000 के आसपास की आबादी, उम्र सिर्फ 15 साल, मगर कई मामलों में इसने अपनी अलग छवि बनाई है और तेजी से रफ्तार के साथ विकास की राह पर अग्रसर है। मगर फिर भी इस छोटे राज्य में भी मुद्दे हजार हैं, चाहे वो सियासी मुद्दे हो या फिर जनता के मुद्दे हो। और इस राज्य को इन तमाम विशेषताओं के बीच में साध कर अगर कोई आगे लेकर जा रहा है तो वो है हरीश रावत जी। कैसे और क्या उनके सामने आज के दिन चुनौतियां हैं, सवाल हैं? कहां 15 साल बाद वो खुद देख रहे हैं सूबे को, कहां वो आने वाले दिनों में जनता के सामने ले जाएंगे 2017 में, कितना सफर तय कर पाए हैं वो, कितना बाकी है, ये सब कुछ हम आज समझेंगे क्योंकि मेरे साथ खुद इस सूबे के CM हरीश रावत जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट उत्तराखंड पर हरीश जी। आपका भी बहुत धन्यवाद हरीश जी। सबसे पहले मैं आप ही से समझना चाहता हूं, 15 साल का ये राज्य आज कहाँ खड़ा है? देखिए, हमें दो दृष्टिकोण से अपने पूरे सफ़र को देखना पड़ता है। एक तो यह है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस आज कैसी स्थिति में है, तो मैं बहुत फख्र के साथ कह सकता हूँ कि हमारा लेजिस्लेचर भी परिपक्व है, जुडिशरी ने अच्छा नाम कमाया है इन 15 सालों के अंदर, और एजुकेटिव में भी जो है एक समता डेवलप हुई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के अनुसार काम कर सके। यहाँ तक कि जो फोर्थ स्टेट है, जो चौथा खंभा है लोकतंत्र का हमारे राज्य के अंदर, वो भी काफ़ी सजग है, और बल्कि हम लोगों को बड़ा ही सतर्क रहना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि इंस्टीट्यूशनल साइड में हमारे राज्य ने बहुत अच्छी पेंट बनाई है और बहुत मजबूती से हम आगे बढ़ रहे हैं। जो दूसरा पक्ष है वो है कि आप कितना डेवलप कर पाए हैं। जो आज का पैमाना है GDP का, उस हिसाब से हम इस समय राज्यों में एक फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है जी। एक तथ्य जो है, तीन चार स्टेट हैं उनमें से हम एक हैं। पर कैपिटल इनकम भी आप पिछले एक साल के अंदर ही 12,000 पर कैपिटा जो है हमारी इनकम बढ़ी है। अब लोग जो दूर दराज के हैं, देहरादून, उनको अभी भी बहुत दूर राजधानी नजर आती है, पहाड़ों में जो सुदूर इलाकों में है। खैर, राजधानी दूर नहीं है राजधानी, मगर जो राजधानी वाले हैं वो ज़रा सा दूर हो जा रहे हैं। यदि राजधानी वाले ज़रा खिसकें, दूर गांव वालों की तरफ जाएं, तो ये दर्द कम हो जाएगा। हम उनमें के अंदर ये विश्वास नहीं पैदा कर रहे हैं। तो हरीश रावत नहीं, कम के करीब जा रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू डू दैट। अब भी राजधानी वाले ज़रा सा दूर है, उनको और नज़दीक खिसकाना है। एक स्वाभाविक हरीश रावत, जब तक ये सारी चीज़ें स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं बन जाती है, तब तक मैं समझता हूँ कि मिशन अधूरा है। और तब तक जो डॉक्टर नहीं जाना चाहते हैं गाँव की तरफ, वो शायद नहीं जाते रहेंगे। तब तक लोगों में ये भरोसा नहीं जगेगा कि उनको रोजगार अगर यहीं पर मिले वो पलायन नहीं करेंगे। हरीश रावत मुख्यमंत्री होते ही अपने लिए घर बनाएगा यहाँ, तो फिर दूर गांव में कौन रहना चाहेगा? तो यदि मैं अपने घर, गांव के पुराने टूटे हुए घर को तलाश करके उसको ठीक करूंगा, ये संदेश दूंगा, नहीं मैं भी गांव आ सकता हूं, तो लोगों को लगेगा नहीं गांव में कुछ है, वहां हमको रहना चाहिए। तो लेकिन सबसे बड़ी रुकावट क्या, जैसा आमतौर पे बातें आती रहती हैं, कई बार आपके भी हवाले से बात आई है कि उत्तराखंड को आप जिस रास्ते पर ले जाना चाह रहे हैं, आप जिस विजन की बात कर रहे हैं, उसको जमीन पर उतारने में आपकी ही सिस्टम, आपका ही जो सिस्टम है नौकरशाही, वो सबसे बड़ी बाधा है? ओ, ये हमेशा रहा है। देखिए, ये जब हमने फर्स्ट प्लान स्टार्ट किया तो उस समय भी ये स्थितियाँ आई, उनको ढलने में टाइम लगा, वो एक अलग माइंडसेट के थे। आज जो ब्यूरोक्रेसी वो एक अलग माइंडसेट की है,
उनका जो डेवलपमेंट है वो फाइल से निकल करके आता है, और जो हमारा डेवलपमेंट है वो फील्ड में निकल करके आता है। हम चाहते हैं कि फाइल और फील्ड के बीच की दूरी कम हो, लेकिन उनको जो वर्षों की ट्रेनिंग है उसमें और जो हमारा फील्ड का एक्सपीरियंस है उसके बीच में समन्वय पैदा करना, रास्ता निकालना हमारा काम है। यदि 52 साल के पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के साथ मैं इस काम को नहीं करूँगा तो फिर तो मैंने 52 साल चना भूजने का काम, चना भूजता तो ज़्यादा बेहतर व्यक्ति कहलाता। सक्सेसफुल हो रहे हैं हरीश रावत इस काम को करने? मैं बहुत सारे अपने ऑफिसर्स को जो है बहुत उनको बधाई दूंगा, वो बिल्कुल चेंज पर्सन है और बहुत इनर्जेटिक तरीके से काम करते हैं। अब मैं आजकल 12 बजे सोता हूँ तो वो 12:30 तक मेरे टेलीफोन का इंतज़ार करते हैं, फिर वो भी सो जाते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि अब 12 बजे के बाद घंटी नहीं बजेगी, अब हमारा चीफ मिनिस्टर ज़रा सा सभ्य हो गया है। तो ये तो वो तो ये देखते हैं कि भाई जिसको सामान्य भाषा में बॉस कहते हैं कि बॉस कैसा कर रहा है जी, तो बॉस को या बॉस के संगी सहयोगियों को जो को पार्टनर है उनको पहले अपने को बदलना है। यदि हम सब उस दिशा में, और मुझे खुशी है मेरे मंत्री भी बहुत अच्छे हैं। तो किनको पटरी पर लाना ज़्यादा मुश्किल है, नौकरशाहों को या साथी मंत्रियों को? सबको क्योंकि देखिए ये जो सिस्टम है ये चीफ मिनिस्टर के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो चीफ मिनिस्टर को ही रास्ता दिखाना पड़ेगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर को ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, फ्रीडम देनी पड़ेगी एक्ट करने की, चीज़ों को ले चलने की अपने मंत्रियों को, और कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा ब्यूरोक्रेट्स को कि नहीं, आई एम विद यू, डिसीजन इज माइन, सही होगा तो वी ऑल विल शेयर द क्रेडिट, और यदि गलत जाएगा तो आई विल इंटायरली बी ब्लेम्ड फॉर फेलियर, फॉर रॉन्ग डिसीजन। जैसे आपदा के दिनों में हुआ जी। मेरे सामने सवाल ही था, मैं उसी समय आया था कि या तो कहूँ कि यात्रा नहीं इस साल चलेगी, लोग मुझसे कहते थे 5 साल तक केदारनाथ की यात्रा तो संभव ही नहीं है, और जगहों की यात्रा के लिए भी सोच लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, यात्रा हम इसी साल करेंगे, यदि इस साल किसी टूटी फूटी तरीके से भी चलेगी तो अगले साल के लिए एक वो रहेगा, भाई चलानी है तो चीज़ें एक्सपीडाइट होंगी, 1 साल का बैकलॉग ख़त्म हो जाएगा, तो निर्णय करना था तो मैंने निर्णय किया। फाइनेंस सेक्रेटरी आप ये समझते हैं कुछ दिन सो पाए होंगे, जब मैंने निर्णय लिया तो वो कई दिन नहीं सो पाए, लेकिन जब फाइल मेरे पास आई और उस फाइल पे मैंने लिख दिया, एक नहीं दो दस्तखत कर दिए कि इसलिए कि भाई एक बार आप चाहो तो अपनी ओपिनियन भी दे दो इसमें, तो मैं उस ओपिनियन को भी जो है देख लेता हूँ, तो लोगों को ये लगा नहीं अब हम सेफ है, जो है पॉलिटिकल बॉस ने अपने ऊपर ले लिया। हम कैबिनेट के पास गए, हमने कहा भाई हम देंगे ना इनको कॉन्फिडेंस, इनको कौन कॉन्फिडेंस देगा, कैबिनेट देगी कॉन्फिडेंस? हरीश रावत, मैं देख रहा हूँ कि हरीश रावत मुख्यमंत्री पूरी तरह से कहें तो पूरे ट्रेंड को बदलने की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं न सिर्फ पलायन के ट्रेंड को बदलने की अगले 7 सालों में वापस करने की, 4 सालों में पलायन को रोकने की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के तौर तरीके को बदलने की बात कर रहे हैं, वो शासन के राजकाज के तौर तरीके को बदलने की बात कर रहे हैं, वो और वो ये कह रहे हैं कि हम सब कुछ सभी ट्रेंड को बदल रहे हैं और ऑटोनोमस सबको ऑटोनोमी दे रहे हैं, इंडिपेंडेंस दे रहे हैं कि काम करिए, लेकिन काम करिए, लेकिन क्या खुद हरीश रावत को ऑटोनोमी है पूरी तरह से? देखिए मुख्यमंत्री को हमेशा एक बंधन में जकड़ा रहना चाहिए, वो है जन विश्वास का, लोगों के डर का, और यदि पब्लिक लाइफ में बैठे हुए व्यक्ति को मन में डर नहीं है, वो जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी के भाव से ग्रस्त नहीं है कि मेरी जिम्मेदारी हर समय, उसका एहसास उसके मन मस्तिष्क में नहीं है, तो मेरी समझ से वो व्यक्ति एक अच्छा पब्लिक मैन नहीं हो सकता है। मैं इस मामले में बड़ा डरपोक आदमी हूँ। हाँ, जनता से डरते हैं, डरना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर यदि वो हमको यहाँ तक पहुँचा सकते हैं कि हम इतने बड़े फैसले ले सकें
तो कम से कम एक फैसला तो उनके हाथ में है कि 5 साल के बाद आओगे तो मेरे दरवाजे पर करके। ये अलग बात है, वैसे मैं बड़ा बेशर्म टाइप का आदमी भी हूँ, मैं तो जितने चुनाव जीता नहीं हूँ, जितने चुनाव जीता हूँ टोटल छोटे बड़े उतने ही हारा भी हूँ। तो मेरी तो कांग्रेस में एक और परंपरा उत्तराखंड में रही है कि कांग्रेस को कांग्रेस ने ही हराया है ना, वो जो भी रही हो मगर हार तो हार है। तो आज सबसे ज्यादा चुनौती, क्योंकि 2017 दूर नहीं है, हरीश रावत के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2017 के लिए क्या है? खुद कांग्रेस पार्टी? देखिए, मेरे सामने इस समय केवल एक चुनौती है, जो कहा है उसको साबित करने की, जो लोगों के मन में विश्वास है उस विश्वास को कुछ प्रतिशत, मैं 100% दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, जो जन अपेक्षाएं हैं जी उनको उनको संकुचित करने की, उनको नैरो डाउन करने की जरूरत नहीं है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप चालाक राजनीतिज्ञ हैं और स्वार्थी राजनीतिज्ञ भी हैं। मैं कम से कम एक बात कह सकता हूँ, मैं चालाक भी नहीं हूँ, स्वार्थी भी नहीं हूँ, मगर मैं जरा सा कई मामलों में बिंदास टाइप का व्यक्ति हूँ, मैं कह देता हूँ जो मैं बिंदास बॉस नॉट बॉस 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 तो मैंने उनके लिए कहा जिनको मेरे फैसलों को आगे बढ़ाना होता है। जनता ने जो जिम्मेदारी आपको दी, उनके लिए मैंने सरल शब्दों में कहा बॉस, नहीं तो अदरवाइज वो इज बॉस। लेकिन आपकी बात पब्लिक लाइफ के आदमी के लिए तो वो भी एक मतदाता है और उसका मत भी मुझको सरकार बनाने में और सरकार में बैठने में मदद करता है। हरीश जी, आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि 2017 का एजेंडा डेवलपमेंट का होने जा रहा है उत्तराखंड में, ये आपने तय कर लिया है और इसी पर जाएंगे आप डेवलपमेंट के एजेंडे पर? देखिए, मैंने अभी चुनाव के विषय में सोचा ही नहीं, मैं तो अभी जो है केवल डेवलपमेंट के तरफ, जो हमारे सामने सवाल है। आज जिस मुख्यमंत्री को 15 साल जो प्राथमिकताएं निर्धारित नहीं हुई, आज वो प्राथमिकताएं निर्धारित करनी पड़ रही हों, तो वो पॉलिटिक्स के लिए सोचे, चुनाव के लिए सोचे, या उन प्राथमिकताओं के लिए सोच करके उनको इस्टेब्लिश करने का काम करें। मैं इतना कर देना चाहता हूँ, यदि 2017 में नहीं भी आता हूँ तो जो पॉलिसी लाइन मैंने बना दी है, जो रास्ता मैंने बना दिया है, उसको कोई बदल न सके। तो चाहे वो देश चलाने वाला हो या राज्य चलाने वाला हो या जिला चलाने वाला हो, उसको लोगों की आंखों में झांकना चाहिए कि वो आंखें उसे क्या अपेक्षा कर रही है। आंखें एक मिरर होती है लोगों के दिल का जो है, तो आंखें मिला पाएंगे। कॉन्फिडेंट है हरीश रावत कि जब 2017 में जनता के सामने जाएंगे तो आंखें मिला पाएंगे? मुझे इस बात का बड़ा संतोष है, मैं इस समय भी आंख मिला के बात कर सकता हूं और 2017 में भी महाराष्ट्र में आंख मिला करके बात करने की स्थिति में होगा। रिजल्ट क्या होगा है तो ऊपर वाला जानता है। सियासी तौर पर थोड़ी सी सियासत की बात मैं समझना चाहता हूं आपसे उत्तराखंड के बारे में। सियासी तौर पर आप जब सरकार बनी थी 32 के करीब थे, लेकिन पिछले दिनों में आपने कई उपचुनाव जीते, अब 36 के आंकड़े को खुद अकेले छू चुके हैं पार्टी के तौर पर, मगर आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि आप विंडिक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बीजेपी सरासर आरोप लगा रही है कि आप जो आपके लाइन में, आपके रास्ते में सफाई आप पसंद कर रहे हैं, स्वच्छता का मिशन देश में भी चल रहा है, आप भी चला रहे हैं, लेकिन सियासी रास्ते को भी आपके कांटे को बड़ी सफाई से आप साफ कर रहे हैं। देखिए, यहाँ मेरे प्रतिद्वंदी कौन है या मेरी पार्टी के प्रतिद्वंदी कौन है, मैं समझना चाहता हूँ। कांग्रेस या बीजेपी या नरेंद्र मोदी? लेनिन ने स्टालिनग्राद में अपने लोगों को एड्रेस करते हुए कहा कि कॉमरेड्स, यदि मेरे किसी एक्शन से नाजी खेमे में बिलबिलाहट हो रही है तो ये समझो कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, और यदि वहाँ संतोष का भाव व्यक्त किया जा रहा है तो इसका मतलब है पॉलिसीज को बदलने की ज़रूरत है। तो हमारी टक्कर किससे है? यदि वो मेरे लिए ये शुभ वचन न निकालें और इस तरीके से मेरी शान में कसीदे न कसें तो इसका मतलब काढ़ें तो इसका मतलब हरीश रावत कुछ कर ही नहीं रहा है। ये तो ये बताता है कि हरीश रावत कुछ कर रहा है या मेरी सरकार कुछ कर रही है जिसकी वजह से वहाँ कुछ बिलबिलाहट है, कुछ झंझनाहट है, कुछ आरोप हैं, कुछ खीज है, कुछ गुस्सा है, कुछ नफरत है और कुछ और चीज़ें हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जेल में उनके नेताओं को डाल रहे हैं आप, उनके MLAs को,
उनके एमएलए आत्महत्या करने तक की बात करने लग रहे हैं कि आपके आपका डर उनको लग रहा है, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं वो आकर के सड़क पर। एक बात बताइए, अभी मुझसे मिल करके गए हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो जानते हैं कि बल्कि उनमें से कई नेता तो ऐसे हैं वो चाहे तो मेरे कान पकड़ करके मुझसे निर्णय करवा सकते हैं, दे आर कॉन्फिडेंट। उनमें से कुछ मेरे छोटे भाई हैं, कुछ मेरे से बड़े भाई हैं, मगर बाहर ऐसा यदि वो नहीं कह रहे हैं तो इसका मतलब है हरीश रावत से कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ, और जब तक वो ऐसा कहते रहे तो आप ये मान करके चलते रहिए कि उत्तराखंड में कांग्रेस गवर्नमेंट ठीक चल रही है। हरीश रावत बॉक्सर रहे हैं किसी जमाने में, मैंने सुना है, क्या ये सही है? किसी ने आपको गलत बता दिया, मैं फुटबॉलर भी रहा हूँ, मैं वॉलीबॉल प्लेयर भी रहा हूँ, मैं हॉकी भी खेल लेता था, मैं जेवलिन भी थ्रो कर लेता था, लेकिन कबड्डी बहुत अच्छी खेल लेता था मैं, उन्होंने टांग फंसा करके गिराने और अपने क्षेत्र में और खुद भी गिरना, लेकिन अपने क्षेत्र की लाइन को टच करने का आर्ट सीखना पड़ता था, तो मैं उस समय वो भी सब, तो मैं वो खेल के जो गुर है वो आज भी काम आ रहे हैं सियासत में भी। मैं समझता हूँ खेल के फंडामेंटल्स बदलते नहीं, जो फंडामेंटल्स पर कायम रहते हैं वो खेल में जीत जाते हैं, तो मैं भी जो बुनियादी तत्व हैं खेल के उनको ध्यान में रखता हूँ और ये खेल और ये भी जीतेंगे। तो ये राज रहा है जीतने का। एक निजी सवाल आपसे, लोग मुझे पॉलिटिशियन के तौर पर तो हरीश रावत को जानते हैं, जिस तरह की विरुद्ध स्थितियों में ऑड सर्कमस्टांसेस जिसको कहते हैं उसमें आकर के आप जैसे आपने यहाँ पर थामा है और कांग्रेस के लिए उम्मीद बनकर आप उभरे हैं, इसको तो सब देख रहा है, इसके अलावा हरीश रावत क्या है, क्या पसंद करते हैं, उनकी पसंदगी क्या है, वो क्या है? मैं एक बहुत सिंपल सा व्यक्ति हूँ और मुझे सीधी सीधी सिंपल चीज़ें पसंद हैं, मुझे मैं आज भी जो है एक गांव का वही व्यक्ति हूँ जो अपने गांव के बाखलियों में घूम करके उनमें आनंदित होता था, तो आज भी यदि मुझसे कोई कहे कि आप कुछ समय की छुट्टी दी जाती है तो आप कहाँ जाना चाहोगे, मैं कहूँगा अपने गांव में जाना। मिस करते हैं गांव को? यस, आई मिस इट एवरी डे, ईच एंड एवरी डे। और इसीलिए ये पॉलिसी का हिस्सा भी बन रहा है कि लुक टुवर्ड्स गांव की तरफ। नहीं, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे अपने गांव से बड़ा अनन्य प्रेम है। शायद आश्चर्य होगा, मैंने पिछले 35-40 साल से कोई फिल्म नहीं देखे, मैं कोई से नहीं गया। पसंद नहीं या समय नहीं मिला? है पसंद जो है, मुझे भी जो है शोले की उसकी एकाध बार मैंने कहीं थोड़ी झलक देखी है, तो मेरा मन भी करता है कि यार इसको पूरा देखा जाए करके, मेरा मन भी जो है गांधी की पूरी पिक्चर को देखने को मन करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। शोले पसंद है? मैं बहुत चीज़ें लाए, मैं कई लोगों की एक्टिंग बड़ी मुझे पसंद है, मुझे राज कपूर की एक्टिंग बहुत पसंद है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। नरगिस दत्त जी के साथ तो मैं पार्लियामेंट में रहा, आई एम ए ग्रेट एडमायरर ऑफ दैट लेडी, मैं उनको भी देखना चाहता हूँ। जयललिता जी के भी मैंने एक तमिल फिल्म का जो है एक बार उन्होंने हमारे वहाँ अपने बेस्ट फिल्मों के कुछ वो भिजवाए थे एक्सट्रैक्ट जो है, जब वो पार्लियामेंट में हमारी एक कमेटी में थी, तो उनमें से जो है हमने एक किसी दोस्त ने उसको चलाया हमारे एमपीज में से, हमने उसको उसमें उस समय एक बोलते थे ना बक्से जैसे जिसमें कुछ कहते थे उसको, उससे प्रोजेक्टर से दिखाते थे जी, तो जी। उसको देखा था, तो तब उनके एक्टिंग का भी बड़ा वो हूँ, मगर ये सब के बावजूद मैं देख नहीं पाया हूँ, तो अधूरी लालसा है, अगले जन्म में पूरी करेंगे, देखेंगे। लेकिन जो है एक फिल्म मैंने पूरी देखी है, वो है प्रकृति की फिल्म जो है, मैंने प्रकृति को बड़े नज़दीक से देखा। अच्छा। और मैं उसके साथ जीना चाहता हूँ, इसलिए जो है मुझे सब चीज़ें वो पसंद हैं जो प्राकृतिक फॉर्म में है। मैं अपने गाँव के सिंपल खाने को पसंद करता हूँ, बल्कि मेरे वहाँ कई लोगों को जब मैं खाने की टेबल पर आमंत्रित करता हूँ तो एक बार तो बड़ी खुशी से आते हैं, उनको लगता है यार चीफ मिनिस्टर या मैं सेंट्रल मिनिस्टर था तो उसके टेबल पर बैठ रहे हैं करके, लेकिन खाने के बाद वो बड़े निराश होते थे बेचारे, जब दूसरी बार कहता था कहते नहीं हम हैप्पी नाश्ता लेकर के आए हम खाना।
मेरी वाइफ कहती थी ये कन्नी काट गए हैं, इनको तुम्हारा ये घास फूस ये सब मामला पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं आई लाइक एवरीथिंग विच इज सिंपल एंड स्ट्रेट। आपकी फिल्मों के बारे में जो आपने बताया और शोले का नाम लिया, तो मुझे याद आ गया कि आपने गब्बर से नवाजा था अभी हाल में मोदी जी को। वही देखा था मैंने वही सीन देखा था। एक तो वही सीन देखा था, एक जो है एक उसी में वो भी किसी एक्सट्रैक्ट किसी शायद उसकी कोई रीमेक का वो दिखा रहे थे कि हाउ इज डिफरेंट देन द फर्स्ट वन रीमेक इज हाउ डिफरेंट, क्योंकि उसमें शाहरुख थे तो शाहरुख से मेरी व्यक्तिगत वो है, तो मैंने इसलिए मैंने उतना में हिस्सा देख बैठा जो है। तो आई एम स्टिल ये है कि यार कभी मौका मिले तो इसको पूरा देख। तो गब्बर जी में मोदी जी में क्या सिमिलैरिटी है जो आपने उनको गब्बर बताया? अरे वो तो मैंने इसलिए कहा कि मोदी साहब जो कहते हैं सब हाँ कह देते हैं, वो पूरे देश से हाँ कहवा दे रहे। उन्होंने कहा झाड़ू पकड़ो, सारे देश ने झाड़ू पकड़ लिया। हरीश रावत ने भी झाड़ू पकड़ लिया। मैं कह रहा हूँ सबने झाड़ू पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने मन की बात करूंगा तुम सुनो है? तो आप भैया हमने उनकी तो हरीश रावत भी मन की बात कर रहे हैं। कहा ये भी धन्य है इस देश का प्रधानमंत्री, लोगों के मन की बात नहीं सुन रहा है, अपने मन की बात सबको सुना रहा है। तो भगवान प्रभु ही सुना सकते हैं ऐसा, वो भी प्रभु है वो भी सुना रहे हैं। लेकिन कहीं आपने इसलिए तो नहीं कहा कि 2017 में हरीश रावत को पता है कि असली मुकाबला होना है यहाँ के बीजेपी से नहीं, प्रदेश के बीजेपी से नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी से, और उसमें आखिरकार गब्बर की हार होगी और जीतेगा जय ही। हमारे इस मामले में देखो हमारी कोई हम उनसे वो नहीं करते, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और एक बहुत सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर जो है आज प्राइम मिनिस्टर के रूप में है, और हम चाहते हैं वो सफल हों ताकि उनकी सफलता देश की सफलता को बढ़ाने का काम कर सके। मगर ये सवा साल थोड़ा निराश कर रहे हैं। उम्मीदें जो थी वो, हाँ वो टीम इंडिया कह रहे हैं, मगर टीम इंडिया के कुछ मेंबर से कहना चाहते हैं तुम भूखे रहो, पेट बांध करके रहो, कुछ कहो नहीं। उत्तराखंड के साथ आपकी मांगों के ऊपर नहीं ध्यान दे रहे हैं, आप विशेष राज्य का दर्जा भी मांग रहे हैं, ये सब नहीं चल सकता है। आपको बड़ा दिल रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो है राज्य की शान से जुड़ी हुई होती हैं। विशेष राज्य का दर्जा हमारे एक संघर्ष की पहचान है, तो आप हमारे संघर्ष की पहचान को हमसे छीन ले रहे हो बिना वाजिब कारण बताए हुए। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो ये हरीश रावत व्यक्तिगत तौर पर एडमायरर हो सकता है, मैंने कहा ना कि मैं मोदी जी को की सफलता चाहता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर जो है मुझे लगता है कि मेरे राज्य के नाक में मुक्का मार दिया आपने। आप हमको कुंभ के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, सबको कुंभ के लिए पैसा दे दिया आपने, तो कैसा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है भैया बताओ ना। आखिरी सवाल मेरा, हरीश रावत ने एक सक्सेसफुल पॉलिटिकल करियर को जिया है और अभी मैं देख रहा हूं कि बहुत कुछ इस उम्र में आकर के भी एक युवा की तरह संघर्ष कर रहे हैं, चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेंड को बदलने की कोशिश कर रहे हैं पूरे राजकाज में, मैं देख रहा हूं जो आपकी बातों से आज मैं समझ रहा हूं और कई चीज दिखाई दे रही है। लेकिन अब भी कौन सी वो बड़ी बात है जो करना बाकी है हरीश रावत को, जो करना चाहेंगे वो आने वाले दिनों में? देखिए अभी बहुत करना बाकी है, बल्कि मैं एक मुझसे कोई कहे कि टोटल जितना मेरे मन में या मेरे मैंने जो रोड मैप बनाया है मैं उसके अभी केवल 15-20% के बीच में उसको रोल आउट कर पाया हूँ, क्योंकि समय चाहिए। और इसीलिए आपने देखा होगा हमारा जो पब्लिसिटी फ्रंट है वो हमने सबसे कमज़ोर रखा हुआ है, हम उतनी पब्लिसिटी करते हैं जितना आवश्यक है और जो राज्य के कॉन्फिडेंस के लिए आवश्यक है, बाकी हम बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी पर नहीं जाते। हरीश रावत मुख्यमंत्री उत्तराखंड, एक युवा की तरह आज सोच रहे हैं और हर व्यक्ति से, अपने कॉलीग से, अपने ऑफिसर्स से, अपने मंत्रियों से उसी उत्साह और उसी ऊर्जा के साथ काम
करा रहे हैं, चाहे उनको उसके लिए बॉस बनना पड़ता हो, ये जैसा वो बता रहे हैं। और जो सबसे बड़ी तमन्ना अभी भी है हरीश रावत की, वो उत्तराखंड को रोल मॉडल बनते देखना। मेरी ढेरों शुभकामनाएं हैं। जिस बेबाकी से आपने हरीश रावत जी बात की है, धन्यवाद। आपने बहुत घुमावदार सवाल किए, मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूं। और मैं उस दिन बड़ा खुश होऊंगा जब आप जो है बॉल डाले, गूगली डाले और हम आपके सामने बैठे हुए हों और हमारा विकेट उड़ जाए। लेकिन मेरे एक भी बॉल को आपने विकेट की तरफ नहीं जाने दिया, क्योंकि खिलाड़ी आप रहे हैं, खेल के मैदान में भी और राजनीति के मैदान में भी हैं, ये साबित कर रहे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हरीश रावत जी के साथ हैं, न्यूज़ स्टेट की शुभकामनाएं हैं और हर उत्तराखंड वासी की और देशवासी की है, क्योंकि ये देवभूमि तरक्की पाए और रोल मॉडल बने, ये पूरा देश चाहेगा, इसको चाह रहा है। तो ये थे मुख्यमंत्री हरीश रावत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।